नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम UPSSSC एग्ज़ाम के बारे में शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप यहां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा/2024, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 27 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 24 अप्रैल 2024, और ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 मई 2024 है, और इसके साथ ही शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक सूचना है। तो आप यहां देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए upssc.gov.in के माध्यम से करना होगा। यहां आप आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको upssc.gov.in में जाना होगा। उसके बाद आपको बहुत सारे लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट दिखाई देंगे। आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट पसंद आए उस पर क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। तो यहां बताया गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद ही आप कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपको OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। और जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, निवासी विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही फोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण भी देना अनिवार्य है। अगर फीस का भुगतान के लिए बात करें तो आप यहां देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या SBI ई चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क की बात करें तो आप यहां अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 25 रुपये मात्र है। और आयु की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक मान्य है। हमने इस वीडियो में शॉर्ट डिटेल को प्रदान किए हैं। तो आप पूरी डिटेल जानने के लिए PDF को जरूर देखें, जिसे हम वेबसाइट और नीचे दिए गए YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप पूरी तरह से जाकर देखें। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।